आज हम इस वीडियो में सिंपल वर्डिंग में लॉजिक गेट्स को समझने वाले हैं। लॉजिक गेट्स को समझना इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि उससे हम कंप्यूटर की वर्किंग को समझ सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, जीरो और वन पे कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। तो इसीलिए जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि बाइनरी कैलकुलेशंस किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। उसमें इनपुट्स होते हैं, आउटपुट्स होते हैं और दोनों जो है वो बाइनरी के फॉर्म में होते हैं। इनपुट्स जो हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं पर आउटपुट हमेशा एक ही आएगा। उसके अलावा जो है वो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इस्तेमाल करते हैं बाइनरी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। सिग्नल्स क्या होते हैं? ऑन और ऑफ। हम ये भी कह सकते हैं कि जीरो और वन सिग्नल्स हैं। एक लॉजिक गेट जो होता है वो एक या एक से ज़्यादा बाइनरी स्टेट्स को लेता है, उनको डिटरमाइन करता है और सिग्नल्स को पास करता है। या तो ऑन होगा सिग्नल या तो ऑफ होगा, या तो किसी चीज़ को स्टार्ट करना होगा या तो किसी चीज़ को स्टॉप करना होगा, बंद करना होगा। तो जैसे हम इसको सिंपल वर्ड्स में जीरो मतलब कि ऑफ, वन मतलब कि ऑन। 6 कॉमन लॉजिक गेट्स हैं जिसमें से नॉट गेट, एंड गेट, और गेट जो है वो बेसिक हैं, एक्सोर गेट, नैंड गेट, एक्सनोर गेट जो है वो तीनों इनमें से बनाए गए हैं। फर्स्ट है नॉट गेट। नॉट गेट में सिंगल इनपुट होता है और सिंगल ही आउटपुट होता है और इसकी पॉसिबल जो वैल्यूज़ हैं इनपुट की वो दो ही हो सकती हैं, या तो ऑन होगी या ऑफ होगी। अगर इनपुट बाइनरी स्टेट में है, ज़ाहिर बात है बाइनरी स्टेट में होगा, अगर इनपुट एक बाइनरी स्टेट में है तो आउटपुट जो है वो उसका अपोजिट बाइनरी स्टेट आ जाएगा। अगर इनपुट वन है तो आउटपुट जीरो आ जाएगा, इनपुट जीरो है तो आउटपुट वन आ जाएगा। अच्छा, तो नॉट गेट जो है उसमें सबसे पहले एक इनपुट आता है, इनपुट एक और सिंबल होती है नॉट गेट की, उसके बाद आउटपुट होता है। ट्रुथ टेबल जो है वो इस तरीके से है कि उसमें इनपुट दो ही हो सकते हैं, पॉसिबल ऑफ होगा या ऑन होगा, तो आउटपुट जो है वो उसका उल्टा हो जाएगा, जैसे कि ऑफ का ऑन, ऑन का ऑफ। सेकंड है एंड गेट। एंड गेट में दो इनपुट्स होते हैं और आउटपुट जो है वो सिंगल आता है और इसकी जो है चार पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़ हो सकती हैं क्योंकि दो इनपुट्स हैं। इसमें आउटपुट ऑन आएगा या वन आएगा जब दोनों सिग्नल्स ऑन होंगे, अदरवाइज ऑफ आएगा। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो इसमें इनपुट ए है, इनपुट बी है, दो इनपुट हैं और एंड की ये सिंबल है और एक आउटपुट है। अगर ट्रुथ टेबल की बात करें, इनपुट ए पॉसिबल चार हैं, इनपुट बी पॉसिबल चार हैं। यहाँ पर हम जो है बाकी सब में ऑफ देख रहे हैं, बस जहाँ पर दोनों ऑन हैं तभी हम ऑन देख रहे हैं। तो एंड का मतलब ये होता है कि जब दोनों ऑन हो तब आउटपुट ऑन आएगा, अदरवाइज ऑफ आएगा। अब बात करते हैं और गेट की। और गेट में दो इनपुट्स होते हैं, सिंगल आउटपुट होता है, चार पॉसिबल इनपुट वैल्यूज होती हैं और ऑफ आउटपुट तब आता है जब दोनों सिग्नल्स ऑफ हों, अदरवाइज ऑन ही आउटपुट आता है। यहाँ पर जो है एक इनपुट, दूसरा इनपुट और ये सिंबल है और की, और यहाँ पर आउटपुट आता है। ट्रुथ टेबल जो है इनपुट ए के चार पॉसिबल जो है वैल्यूज़ हैं, इनपुट बी के चार पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, आउटपुट जो है वो उसमें जब दोनों ऑफ हैं तभी ऑफ हैं, अदरवाइज सब में ऑन है। जैसे हम सिंपल वर्डिंग में भी कहते हैं कि ये चीज़ लो या वो चीज़ लो, अगर उसमें से कोई भी एक चीज़ मिल जाती है तो हम कहते हैं ये ले लो, अगर दोनों नहीं मिलती तो हम कहते हैं कि मत लो, मतलब ऑफ। अब अगर बात करें चौथा है एक्स और गेट की। एक्स और गेट में क्या होता है कि और में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई है। इसमें भी दो इनपुट्स होते हैं, सिंगल आउटपुट है, चार पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़ हो सकती हैं। इसमें क्या है कि आउटपुट ऑन तभी आएगा जब सिर्फ एक, नॉट बोथ, इनपुट ऑन होंगे, अदरवाइज जो है वो ऑफ ही आएगा। कैसे? यहाँ पर जो है स्कीमेटिक देखते हैं, इनपुट वन, इनपुट टू और ये सिंबल है और आउटपुट आता है। इनपुट तो सारे चार हैं, ए के, बी के भी चार हैं, ठीक है। अब आउटपुट में देखते हैं, अगर दोनों में से सिर्फ एक ऑन है तभी यहाँ पर ऑन आता है, अदरवाइज जो है वो ऑफ आता है। और पिछले और में हमने देखा था कि ऑन ऑन पे भी ऑन था, पर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ऑन ऑन पे भी ऑफ है, सिर्फ तभी ऑन होगा जब एक इनपुट सिर्फ ऑन होगा, दोनों नहीं हो सकते। तो ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है और में, तभी इसमें एक्स और है। अब फिफ्थ बात करते हैं नैंड गेट की। नैंड गेट में हम ये बात करते हैं कि जो एंड है उसका नॉट लिया गया है, मतलब उसका अपोजिट लिया गया है। इसमें भी दो इनपुट्स होते हैं, सिंगल आउटपुट होता है और चार पॉसिबल इनपुट वैल्यूज हो सकती हैं। आउटपुट ऑफ होगा ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर ऑन, जब दोनों इनपुट्स ऑन है तब आउटपुट ऑफ होगा, अदरवाइज आउटपुट ऑन होगा। मतलब जो एंड की कंडीशन थी उसका हमने यहाँ पर उल्टा कर दिया है। यहाँ पर जो है इनपुट ए है, इनपुट बी है, एंड नैंड में क्या होगा कि एंड की जो सैंपल है, फिर नॉट लगाने के लिए यहाँ पर सर्किल नॉट का, और यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। इनपुट ए, इनपुट बी जितने भी पॉसिबल हैं वो हमने रखे हैं। अब आउटपुट जो है हम इस तरीके से कह रहे हैं कि जब दोनों ऑन होंगे तभी ऑफ होगा, बाकी सब में ऑन होगा, जो कि एंड में अपोजिट था कि दोनों ऑन होंगे तो ऑन होगा वरना ऑफ होगा। यहाँ पर जो है इसका रिवर्स आ जाता है कि ऑन है तो ऑफ है, वरना सब में ऑन है।
अब सिक्स्थ है XNOR गेट। XNOR गेट में भी दो इनपुट्स होते हैं, सिंगल आउटपुट होता है, चार पॉसिबल इनपुट वैल्यूज होती हैं। और यहाँ पर भी जो है XOR का हमने नॉट लिया है, मतलब XOR जो वैल्यू आती है, XOR की जो भी वैल्यू आती है उसको रिवर्स कर दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं आउटपुट ऑन तभी होगा ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम, जब दोनों इनपुट सेम होंगे तभी ऑन होगा, अदरवाइज जो है वो ऑफ होगा। अब यहाँ पर XNOR जो है उसमें दो इनपुट्स हैं और यहाँ पर XOR की जो सिंबल है और सर्किल लगाया गया तो नॉट की सिंबल हो गई, आउटपुट आ जाएगा। ट्रुथ टेबल में इनपुट ए इनपुट बी के चार पॉसिबल इनपुट्स हैं, आउटपुट जो है यहाँ पर जहाँ पर सिमिलर हैं मतलब ऑफ ऑफ है तो ऑन आ गया है, यहाँ पर डिसिमिलर हैं तो ऑफ आ गया है, और फिर से ऑन ऑन है तो ऑन आ गया है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर किया है। XOR का तो हमें पता था कि ऑन ऑन पे सिर्फ ऑफ था, बाकी सब पे जो है ऑन था, पर यहाँ पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन किया गया है। अब हम बात करते हैं कंबाइनिंग गेट्स की, कि हम जितने भी गेट्स हैं उनको कंबाइन कर सकते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट्स बना सकते हैं, और उन्हीं कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को हम कंप्यूटर्स कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कुछ गेट्स देख रहे हैं, तीन किस्म के गेट्स देख रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला जो गेट है ऊपर ऊपर वो है एंड गेट, उसके बाद नीचे जो गेट है वो है नॉट गेट, और उसके बाद नीचे जो गेट है वो है XOR गेट। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, और हमारे पास यहाँ पर इनपुट है, इनपुट ए इनपुट बी, और आउटपुट भी हमें दो निकालने हैं, ठीक है। एक आउटपुट निकालना है इनपुट ए इनपुट बी XOR से, और दूसरा आउटपुट निकालना है इनपुट ए और नीचे जो इनपुट बी का नॉट लगाया गया है, मतलब आउटपुट टू का जो नॉट है और इनपुट ए का एंड है, ये निकालना है हमें। सबसे पहले ए का XOR निकालेंगे बी के साथ, फिर उसको नॉट करेंगे, फिर आखिर में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको ए के साथ एंड कर देंगे, सिंपल। अच्छा, तो सबसे पहले ए का XOR निकालते हैं बी के साथ। तो यहाँ पर इनपुट ए है इनपुट बी है, XOR अगर हम निकालें तो उसमें क्या होता है कि जो सिमिलर होते हैं वो ऑफ ही होते हैं, जिनमें एक ऑन होता है तो तभी जो आउटपुट आता है वो ऑन होता है, मतलब एग्जैक्टली वन। तो यहाँ पर ऑफ ऑन ऑन और ऑफ, ओके। अब हम क्या करते हैं, उसका नॉट निकालते हैं। तो ये आउटपुट टू हमारे पास आ गया है ए XOR बी, अब उसका नॉट क्या होगा, मतलब कि उसका उल्टा, अगर ऑफ है तो ऑन कर देगा, ऑन है तो ऑफ कर देगा, ओके। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास आंसर आया है उसको ए के साथ एंड कर देंगे। तो पहले सबसे पहले इनपुट ए रखेंगे, फिर आउटपुट टू जो हमारे पास पीछे आंसर आया था, और उन दोनों का एंड कर देंगे। एंड में हमें पता है कि दोनों अगर ऑन होंगे तभी ऑन होगा, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आउटपुट वन, जो कि दिस इज आउटपुट वन, तो वो ऑफ ऑफ ऑफ, नीचे है दोनों ऑन है तभी ये ऑन आया है। तो ये पूरा जो है हमारे पास रिजल्ट आ गया है, जिसमें इनपुट ए इनपुट बी आउटपुट वन ऊपर वाला और आउटपुट टू नीचे वाला है। तो इस तरीके से हम कंबाइनिंग गेट्स के रिजल्ट्स निकालते हैं, ट्रुथ टेबल निकालते हैं। यहाँ पर दो आउटपुट कहे गए हैं इसलिए हमने दो आउटपुट निकाले हैं, पर ये है सिंगल रिजल्ट। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।